नमस्ते मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। फैमिली, आप सभी से तहे दिल से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो शेयर भी कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री 2024 के बारे में सारी जानकारी। आप सभी को बताऊंगी कि वट सावित्री 2024 में किस दिन रखा जाएगा, तिथि क्या रहेगी, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और साथ ही साथ सावित्री पूजा करने की विधि क्या रहेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्यारी महिलाओं को इस पूजा का सबसे अच्छा और सरल नियम नहीं पता होता है। वो गलती से अगर किसी तरह का भूल हो जाता है या वो पहली बार पूजा करने जा रही हैं तो कैसे करें, क्या ना करें, पूजा की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले फैमिली, आप सभी को बता दूं कि इस बार 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून यानी दिन गुरुवार के दिन वट सावित्री का पूजा पाठ किया जाएगा। इस दिन हर एक सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और निर्जला उपवास करती हैं। वट सावित्री के दिन एक दिन पहले जितनी भी सुहागन महिला हैं उनको नहाए खाए कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार वट सावित्री के दिन गुरुवार पर रहा है तो आप उस दिन बाल ना धोएं। साथ ही साथ वट सावित्री का जितना भी आपको पूजा सामग्री चाहिए होता है वो आप पूजा के एक दिन पहले ही मंगा दें, क्योंकि पूजा इस बार ज़्यादा समय का नहीं है, ज़्यादा देर का आपका शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए आप एक दिन पहले सामान ला करके अपने घर में रख लीजिएगा ताकि आपको पूजा करने समय कोई भी कष्ट ना हो। और एक दिन ही पहले आपको चना आपको भिंगो करके रख देना है ताकि उसमें अंकुरित आ जाए और यही चना आपको दूसरे दिन चढ़ाना है। अब मैं आपको बता दूं कि पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वट सावित्री का वो रहेगा सुबह 5:18 से लेकर के 7:24 तक। फिर से बता दूं मैं, सुबह 5:18 से लेकर के 7:24 पे रहेगा। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा 2 घंटे का। आप इसके बीच में अपना पूजा जितना जल्दी हो संपन्न कर लीजिएगा ताकि आपको इसका फल की प्राप्ति हो सके। चलिए फैमिली, अब मैं आपको बताती हूँ पूजा की सबसे सरल विधि। सबसे पहले करना आपको ये है कि वट वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा पानी देके अच्छे से स्थान को धो देना है। जहाँ पे आप एक आसनी लगाइए और अपने थाल में जितने भी पूजा सामग्री ले गए हैं, मैं पूजा सामग्री का वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 5 पत्ता वट का लेना है, उसे वट के नीचे रख करके और सबके ऊपर आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर या रोली लगाना है। सिंदूर और रोली लगाने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फल डालना है, मिठाई डालना है और थोड़ा थोड़ा कच्चा सूत्र तोड़ तोड़ के रखना है। इसे कहते हैं कच्चा सूत्र चढ़ाने का मतलब हुआ कि आप वस्त्र चढ़ा रही हैं। इसके बाद अंकुरित चना चढ़ाना है, जो आप फल प्रसाद लेके गए हैं चढ़ा दीजिए, अच्छे से तुलसी पत्ता दे दीजिए और साथ ही साथ सारे पत्ते पे एक एक पान और एक एक सुपारी चढ़ाइएगा। एक लोटा लेकर के उसमें जल, गंगा जल, हल्दी का टुकड़ा, कुछ 1 रुपए के सिक्के, फल, फूल इत्यादि डाल करके आपको एक लोटा लेकर के और वहाँ पूजा स्थल पे खड़ा हो जाना है। हाथ में कच्चा सूत लेकर के वट के वृक्ष में एक जगह बांध करके इस तरीका से आपको जहाँ से बांधी है वहाँ पे थोड़ा सा जल गिराना है और फिर परिक्रमा शुरू कर देना है। ऐसे में आपको 7 परिक्रमा अपनी पूरी करनी है। फिर आप जहाँ स्थल लगाए हैं, जहाँ आसनी लगाए हैं वहाँ पर बैठ करके वट वृक्ष से आपको एक कोमल सा पत्ता ले लेना है और उसे अपने बालों में लगा लेना है। कहा जाता है कि इस दिन बालों में वट का पत्ता लगाने से पति की आयु दीर्घ होती है।
अब आपको करना ये है कि आप जितने भी फूल प्रसाद फल इत्यादि चढ़ाई हैं उन सब पे एक बांस का रंगा हुआ पंखा लेकर के आपको हवा देना है। वट के वृक्ष में आप जितनी बार परिक्रमा कर रहे हैं उतनी ही बार आपको वट वृक्ष को हवा भी देना है। जब भी आप परिक्रमा करके जहाँ से शुरू कर रही हैं वहाँ पे आती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जल फिर चढ़ाइए। जल के अंदर ही अगर आप सब कुछ डाल दी हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने हाथ में थाल ले करके या फुलडाल ले करके हर एक तरह का चीज़ हर बार आपको चढ़ाना है, फूल प्रसाद अंकुरित चना और जल। इस तरीका से सात परिक्रमा पूरा करके वट वृक्ष को अच्छे तरीका से आपको पंखा से हवा लगाना है। फिर वहीं पे बैठ करके आपके पास जितना भी श्रृंगार का सामान है, मैं पूजा की सामग्री अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जितने भी पूजा की सामग्री और श्रृंगार का सामग्री है वो आपको वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर आप पूजा की हैं वहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर जितने भी आप वट के पत्ते पे आप प्रसाद फूल जल जो भी मेवा मिश्री चढ़ाई हैं उन्हें आपको ले लेना है। ध्यान रहे कि जब भी आप पूजा कर रही हैं, जिस स्थल पे पूजा कर रही हैं उसी स्थल पर बैठ करके आपको सत्यवान और सावित्री की कथा भी सुनना है, साथ ही साथ आपको आरती भी करनी है। इस तरीका से आपकी पूजा संपन्न होगी। फिर क्या करना है, आप जितना भी फल मेवा मिश्री चढ़ाई है उसे आप उतार लीजिएगा और कुछ फल और मेवा मिश्री वहीं पे चढ़े रहने दीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ से पान के पत्ते और सुपारी जो घर ला रही हैं वो अपने अपने पति को दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ पान के पत्ते और सुपारी बच रहे हैं तो वो आप अपने पैसे वाले स्थल पे रख दीजिएगा। इससे ये होता है कि आपके पति के जो धन की जो आयु है उसमें हमेशा वृद्धि होगी, कभी भी कमी नहीं आएगी। फैमिली, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप पूजा कर रही हैं, जिस मुहूर्त में पूजा कर रही हैं, उस टाइम पूजा करने के बाद आपको दूसरे दिन भी वट वृक्ष के नीचे जाना है। ये आपको पहली बार आप सुन रही होंगी, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए। जितना भी वहाँ पे पूजा का सामान है, सामग्री है, उसे लेकर के चाहे तो आप गंगा जी, नहीं तो आप कहीं भी किनारे पे रख दीजिएगा, क्योंकि आप एक सुहागन महिला हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा कर रही हैं। तो ध्यान रहे कि जितने भी सामग्री हैं उसमें ना तो पैर लगे, ना ही कुछ बिल्ली कुत्ता किसी भी तरह का जानवर उसे छुए। इस तरीका से आप उसे उठा करके साइड में रख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फैमिली कि आपको बताया गया पूजा विधि पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।